सोनू निगम को खतरा, खुफिया सूचना के बाद बढ़ी सुरक्षा। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम की जान को खतरे के मद्देनजर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र खुफिया विभाग ने पुलिस को भेजी एडवाइजरी में कहा है कि सोनू कुछ कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर है। कट्टरपंथी तत्व किसी सार्वजनिक स्थल, किसी इवेंट या प्रमोशन के दौरान सोनू निगम की हत्या की योजना बना सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने पिछले साल अजान की आवाज पर आपत्ति जताई थी, जिसे लेकर तब काफी विवाद भी हुआ था। इस मामले में कट्टरपंथी संगठनों ने उन्हें धमकियां भी दी थीं। पाक राष्ट्रगान को भी दूंगा सम्मान। सोनू निगम अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाए जाने के मुद्दे पर छिड़ी बहस में सोनू निगम ने भी कई बार बयान दिए हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि वे देश के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में राष्ट्रगान बजाया जाना ठीक नहीं है। सोनू निगम ने यह भी कहा था कि लोगों को हर देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हम सभी लोगों को अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजता है और सभी पाकिस्तानी उसके सम्मान के लिए खड़े होते हैं, तो मैं पाकिस्तान और वहाँ के लोगों के सम्मान में खड़ा हो जाऊँगा।